नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हिमाचल। हमारे प्यारे राज्य हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल टुडे हिमाचल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके साथ हिमाचल के किस जिले से आप ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को मिलेगा 20 दिन का सवैतनिक अवकाश। प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न स्कूल्स में राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के तहत कार्य कर रहे आउटसोर्स व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाताओं को 20 दिन का सवैतनिक अवकाश प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में बुधवार को प्रदेश सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। हिमाचल में इस दिन के लिए भारी बारिश का अलर्ट, कई भागों में 25 जून तक खराब रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पर्वतीय कई भागों में 25 जून तक मौसम खराब रहने के आसार हैं। इस दौरान अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 25 जून को प्रदेश में भारी बारिश व अंधड़ चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। उच्च पर्वतीय भागों में 22 व 23 जून को मौसम साफ रहने के आसार हैं। 23 जून को मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। 24 जून को 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मंगलवार रात को राजधानी शिमला सहित सिरमौर और सोलन जिले के कई क्षेत्रों में बादल झमाझम बरसे। जटौन बैराज में 63, रेणुका में 56, शिमला में 40, पच्छाद डलहौजी में 26, अर्की में 25, सोलन जोगिंद्रनगर में 20, राजगढ़ में 18, मशोबरा में 17 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। अनुराग ठाकुर बोले, हमीरपुर में 150 करोड़ से बनेगा NIAS भवन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर में NIAS के लिए भवन का निर्माण जल्द होगा। हमीरपुर में खोला गया साई कॉनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित होगा। जल्द यहां पर भवन का निर्माण होगा और हॉस्टल की सुविधा भी खिलाड़ियों को उपलब्ध करवाई जाएगी। खेलों के कोच भी तैनात किए जाएंगे। केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत में 23 नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स हैं। 23वां सेंटर हमीरपुर के लिए मंजूर किया। प्रतिभावान युवाओं का चयन कर उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। खिलाड़ियों के चयन और ट्रेनिंग की प्रक्रिया चल रही है। शिमला में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के मामले में केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शिमला में बंदरों के आतंक से छुटकारा पाने के मामले में केंद्रीय पशु कल्याण बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने बंदरों और लावारिस कुत्तों से निजात पाने के लिए राज्य सरकार को तिरुमाला तिरुपति संस्थान से संपर्क साधने के आदेश दिए। अदालत ने इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। मुख्य न्यायाधीश MS रामचंद्र राव और न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को निर्धारित की है। आपदा से संबंधित सटीक सूचना देगा सचेत ऐप। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से सचेत ऐप विकसित किया गया है। इसमें स्थानीय स्तर पर आपदा से संबंधित सटीक सूचना नियमित अंतराल पर अपडेट की जाती है। इस ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी जानकारी और चेतावनी समय पर उपलब्ध होगी और किसी स्थान विशेष में आपदा के समय क्या करें क्या ना करें इसके बारे में निर्देशित करता है। जानकारी प्रधान सचिव राजस्व ओमकार चंद शर्मा ने दी। SPMC ने CA स्टोर्स में सेब भंडारण की दरों में की 30 पैसे की कटौती। हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम ने CA स्टोर में सेब भंडारण की दरों में 30 पैसे प्रति किलो प्रतिमाह की दर से कटौती की। बीते साल HPMC ने 2 रुपए की दर से भंडारण किया। इस साल सेब सीजन के लिए 1.70 रुपए दर निर्धारित की। ऐसे सेब उत्पादक जो सेब को अपने क्रेट या बिन में स्टोर करेंगे उनके लिए 1.60 रुपए प्रति किलो प्रतिमाह दर निर्धारित की गई है। बीएड की डिग्री पूरी करने के लिए मिला विशेष मौका, परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने कोरोना काल के 3 वर्षों के दौरान बीएड की डिग्री पूरी न कर पाने वाले विद्यालयों को मिले विशेष मौके के तहत परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। ये विशेष मौका सत्र 2017-18, 18-19 व 19-20 रेगुलर बोर्ड में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को प्रदान किया गया। विद्यार्थी 20,000 रुपए प्रति सेमेस्टर फीस देकर परीक्षा दे सकेंगे। बीएड द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षा फॉर्म बिना विलंब शुल्क 4 जुलाई तक भरे जा सकेंगे। हिमाचल में क्षेत्रवाद नहीं करेंगे बर्दाश्त, शांतिपूर्वक सुलझाया जाएगा टैक्सी यूनियन विवाद।
कांग्रेस सरकार हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। प्रदेश के सभी क्षेत्र व उसमें रहने वाले लोग सरकार के लिए समान हैं और सरकार हर वर्ग, हर क्षेत्र व हर धर्म के साथ मजबूती के साथ खड़ी है और उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। ये बात लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो में कही। उन्होंने कहा कि शिमला में टैक्सी यूनियन विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझा लिया जाएगा। रिज मैदान पर विदेशी मुक्केबाजों से भिड़ेंगे भारतीय बॉक्सर। छह बार मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह के जन्मदिवस पर 23 जून को रिज मैदान पर पहली बार अंतर्राष्ट्रीय प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है। इसमें 5 भारत और 5 विदेशी मुक्केबाज दम दिखाएंगे। विदेशी मुक्केबाज चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए शिमला पहुंच चुके हैं। इसमें हिमाचल के खेलो इंडिया में गोल्ड मेडल जीतने वाले बॉक्सर सक्षम ठाकुर भी हिस्सा ले रहे हैं। हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं 26 जून से शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया। परीक्षाएं 26 जून से शुरू होकर 31 जुलाई तक चलेंगी। तकनीकी विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि जून जुलाई में प्रस्तावित परीक्षाओं की तिथियां जारी कर दी गई हैं। एचआरटीसी की वॉल्वो बस में बिना टिकट पकड़ी 9 सवारियां, कंडक्टर सस्पेंड। हिमाचल पथ परिवहन निगम की वॉल्वो बस में सवारियों का टिकट न काटना कंडक्टर को महंगा पड़ गया। निगम प्रबंधन ने इस मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया, वहीं आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी। निगम प्रबंधन से मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को एचआरटीसी वॉल्वो बस डलहौजी दिल्ली रूट पर जा रही थी। इस दौरान बस में 42 सवारियां सफर कर रही थी। सफर के दौरान जैसे ही बस कुराली पंजाब के समीप पहुंची तो निगम के उड़न दस्ते ने बस रोकी और बस में बैठी सवारियों के टिकट की जांच की। इस दौरान 9 यात्री बिना टिकट के सफर करते पाए गए। कंडक्टर ने 9 सवारियों की टिकट नहीं बनाई थी। टैक्सी यूनियन विवाद। टैक्सी यूनियंस ने खुला मोर्चा। शिमला में वीरवार से नहीं चलेंगी 12,000 टैक्सी। शिमला जिले में 2 टैक्सी यूनियंस के बीच हुई हिंसा के बाद अब विवाद बढ़ने लगा है। क्षेत्रवाद की राजनीति से नाराज शिमला जिले की टैक्सी ऑपरेटर्स ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया। बीते दिन मामला तूल पकड़ता देख सरकार द्वारा कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें बीते दिन सिरमौर के यूनियन व टैक्सी चालकों से बातचीत हुई थी। वहीं बुधवार को कमेटी ने शिमला की यूनियंस के पदाधिकारियों को वार्ता के लिए बुलाया। हर्षवर्धन चौहान बोले, योग भारत की दुनिया को अमूल्य दी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐतिहासिक चौगान मैदान नाहन में बुधवार को राज्य स्तरीय कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह की अध्यक्षता उद्योग एवं आयुष मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने की। आयुष मंत्री ने योग क्रियाएं भी की। हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड अनुपूरक परीक्षाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, 30 जून आखिरी तिथि। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की जुलाई में होने वाली 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक परीक्षाओं के लिए 20 जून से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। चंडीगढ़ की उड़ान रद्द, गगल हवाई अड्डे पर मुंबई के यात्रियों का हंगामा। गगल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ जाने वाली एलायंस एयर विमान सेवा रद्द हो जाने से चंडीगढ़ जाने वाले 6 यात्रियों ने हंगामा कर दिया। मुंबई के रहने वाले राकेश गुप्ता, भरत गुप्ता, उर्मिला गुप्ता, रिंकी गुप्ता, मोनिका भदौरी और पूजा सिंह ने बताया कि उन्हें गगल एयरपोर्ट से चंडीगढ़ और वहां से कनेक्टेड फ्लाइट से मुंबई जाना था, लेकिन एलायंस एयर के विमान सेवा रद्द हो जाने के कारण अब एलायंस एयर पल्ला झाड़ रही है। तो ये थे हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए आज के ताजा तरीन समाचार। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आए होंगे। थोड़े से भी पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।